तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तबरेज, आप देख रहे हैं तबरेज हैक यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने एक बनाया है एक इलेक्ट्रिक चूल्हा, जो आपको इस पर चाय भी बना सकते हैं और दूध भी गर्म कर सकते हैं और खाना भी गर्म कर सकते हैं। तो मैंने इस पर नूडल्स भी बनाई है, आगे वीडियो में आप देखते रहिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, मैंने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। तो हमें इस तरीके से एक एल्यूमिनियम शीट लेना है, हार्डवेयर शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगी। आप 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर काट लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर के चारों तरफ से साइज होना चाहिए और 2-2 सेंटीमीटर की ये इस तरीके से आपको पट्टियां काट लेनी है। ये 2 सेंटीमीटर लिया है मैंने, देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको 2-2 सेंटीमीटर की पट्टियां काट लेनी है। तो हमें चारों तरफ से इस तरीके से मार्क कर लेना है, 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ और 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से काट ले, इस तरीके से कर लेना है। और ये जो मैंने ब्लैक कलर का जो मार्क करा है, जो 3 स्क्वायर इसमें आए हैं, तो इन तीनों को इस तरीके से कैंची से काट लेना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है, तो आप बिल्कुल इसी तरह काट लें, ये देख सकते हैं आप, ये तीनों को मैंने काट लिया है, ये देख सकते हैं। तो चारों तरफ से इसको काट लेना है और ये जो अंदर वाला ये कोना है, इसको भी इतना इतना थोड़ा इस लाइन तक आगे तक काट लेना है हमें। तो हम ये टॉप वाला हिस्सा बना रहे हैं, ऊपर वाला जिस पे हम बर्तन रखेंगे, और ये हिस्सा हीट होगा, ये वो वाला हिस्सा बन रहा है। इस तरीके से हमें बना लेना है और कोई भी लकड़ी की ये चीज़ रखकर या इस तरीके से चपटी चीज़ रखकर, स्केल रखकर आपको इस तरीके से इसको मोड़ लेना है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आसानी से मुड़ जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये काफ़ी शार्प होता है, आपका हाथ कट ना जाए कहीं, इस तरीके से हमें इसे मोड़ लेना है। और ये आप देख सकते हैं लगभग बनता जा रहा है, और ये जो लाइन है इस लाइन से भी इसको इस तरीके से 2 सेंटीमीटर जो मार्क करा था उसे भी मोड़ लेना है। इसे आप हाथ से भी मोड़ सकते हैं आसानी से, और ये जो पट्टियाँ हैं इनको भी इस तरीके से बेंड कर देंगे, काफी आसानी से हो जाता है, ये देखिए, और लगभग ये बन गया है। और ये पट्टी वाला जो हिस्सा है अपना, जो हमने पट्टियां मोड़ी हैं, तो इसमें हम इस पे पेचकस की मदद से, इस तरीके के पेचकस की मदद से छेद कर देंगे, ये देख सकते हैं आप, कोई भी आपके पास छोटी कैंची हो या उससे भी कर सकते हैं। और ये आधे इंची वाले जो पेच आते हैं, 1 रुपये का तीन पेच आते हैं डिबरी के साथ, ये देख सकते हैं आप, ये लगा देना हार्डवेयर की शॉप पर, ये आपको मिल जाएंगे आसानी से। ये इस तरीके से अच्छी टाइटली कस देंगे अपन पेचकस से, ये देख सकते हैं ये बनकर तैयार हो गया है ऊपर वाला हिस्सा टॉप का। अब इसमें जो अपन को एलिमेंट लगाना है इस तरीके से वो देख लेते हैं, उसे भी हमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। ये सोल्डर आयरन एलिमेंट है, ये 26 रुपये इस पर प्रिंट है, ये मुझे 20 रुपये का पड़ा है एक, तो हम 3 इसमें इस्तेमाल करेंगे, 65-65 वाट के, 35 वाट का भी मिलता है लेकिन आपको 60-65 वाट का ही लेना है। ये तीनों को निकाल लेंगे अच्छी तरीके से, ये देख सकते हैं आप, और ये 2 हिस्से होते हैं इसके, जो बीच में एक लोहे की पत्ती होती है उसे हमें काट देना है और इसे अलग कर लेना है। ये वायर से एक जुड़ा रहता है, वायर के द्वारा इसे भी अलग कर लेना है। तो ये 2 हिस्से आप देख सकते हैं अलग हो गए हैं, और समय कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वायर लेना है लंबा सा, थोड़ा 1-2 इंच का, तो इसे दूर दूर कनेक्ट करना है इस तरीके से। और इसमें एक फाइबर स्लिप चढ़ा देंगे अपन, क्योंकि बॉडी में टच ना हो, इससे करंट ना फैले बॉडी में, तो इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। ये बनकर तैयार हो गया है, इसका मॉडिफिकेशन कर दिया है हमने, तो बाकी के 2 बचे हैं उसका भी इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे उन्हें भी। और ये एल्यूमिनियम की पत्ती ली है हमने, एल्यूमिनियम को काट लिया इसके साइज का, और इसका ऊपर का कवर तैयार करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको मोड़ देंगे, ये देख सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम आप वैसा ही करें। और इस तरीके से 6 अपन को बना लेनी है,
और इस तरीके से इसको सैंडपेपर से घिस देना है, क्योंकि जब हम चिपकाएं तो अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो ये एलो लाइट है, 10 रुपए वाली भी आती है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमें अच्छी तरह मिक्स कर कर इस पर लगा देना है। ये देख सकते हैं हम, इस तरीके से इसको लगा देना है। मेटल चिपकाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। ये देख सकते हैं आप, इसको इस तरीके से लगा देना है। ये देख सकते हैं, ये लगा दिए मैंने। और जब ये अच्छी तरह सूख जाए तो इसमें हम एलिमेंट होते हैं जो अपने, इस तरीके से टाइटली घुसना चाहिए इसके अंदर, टाइट तरीके से अच्छे से घुसा देंगे। और जो अपने 6 जो एलिमेंट है उसको इस तरीके से इसके अंदर लगा देंगे हम, जो हमने 6 ब्लॉक्स बनाए हैं इसके, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से लगा देना है, इससे हीट अच्छी तरह से ऊपर की तरफ फैलेगी और हीट का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से सैंड पेपर से घिसकर आपको इसमें एमसी लगाना है। एमसी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो एलोलाइट होती है वो थोड़े टाइम बाद जल जाएगी, तो ये एमसील से अच्छी तरह से सदा रहेगा। तो आप घिसकर अच्छी तरह लगाएं एल्युमिनियम को, एमसील को। ये देख सकते हैं आप, ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी बॉडी बनाने की बारी है, जो एमडीएफ बोर्ड की हम बॉडी बनाएंगे। इस तरीके से आपको एमडीएफ बोर्ड का एक टुकड़ा ले लेना है, इससे थोड़ा बड़ा ही लेना है। ये देख सकते हैं आप, जो मैं जिस तरह से मैंने लिया है, और मैंने इसमें ये मार्क कर लिया है इसका। ये देख सकते हैं आप, इसको कटर की मदद से आप काट लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको इस तरीके से अंदर घुसा देंगे। तो इसमें ये पेंच लगे हैं, पेंच खोलकर मैं इसको अंदर डाल देता हूँ और फिर पेंच वापस लगा देता हूँ। देख ली, इस तरीके से मैंने किया है। और ये जो साइड में इसकी पत्ती निकली हुई है, इसमें छेद कर लेंगे। और इसको थोड़ा दूर रखने के लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ की है, आप आगे देखें, मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 इंची 2 इंची वाला जो पेंच होता है, 1 इंच वाला, और ये डिबरी थोड़ी बड़ी साइज की इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये पत्ती एमडीए बोर्ड से दूर रहे, क्योंकि एमडीए बोर्ड गर्म होने पर जल सकता है, इसलिए मैंने इसको उससे दूर रखा है, क्योंकि जले ना बिल्कुल भी। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल दूर दूर है एमडीए बोर्ड से, तो ये एमडीए बोर्ड बिल्कुल नहीं जलेगा। और ये बॉडी बनाई है मैंने, इस तरीके से इसका डिज़ाइन दिया है, आप देख सकते हैं। आप और अलग डिज़ाइन की भी बना सकते हैं। ये 3 वायर इस साइड और ये 3 वायर इस साइड, इन्हें आपस में जोड़ लेंगे, 3 इन्हें और 3 इन्हें। ये इसके मेन वायर हैं, और ये स्विच मैंने इसमें लगा दिया था इसकी आगे वाली पट्टी में। तो इस तरीके से आप फेविकॉल से चिपका सकते हैं, या फेविक्विक से भी आप इसे चिपका सकते हैं। मैंने फेविकॉल से चिपकाया है, और ये मेन लीड है, तो हम इसको इस जगह से मैं छेद कर कर इसको अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई है। आप प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और इसमें कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको अच्छा लगा हो ये मॉडल, इस तरीके से ये प्रोडक्ट, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को। और ये फाइबर स्लीव है, ये वाइट कलर का जो देख रहे हैं आप, ये वायर गर्म होता है, इस वजह से मैंने चढ़ाई है, क्योंकि वायर अगर पिघल भी जाए तो ये फायर प्रूफ होती है, ये जलती नहीं है, काली पड़ जाएगी लेकिन जलेगी नहीं। इस तरीके से हमें लगा देना है। और ये लाइट वाला जो वायर है इसको भी लगा देना है इसमें। तो सिंपल कनेक्शन होता है, जैसे स्विच में कनेक्शन करते हैं नॉर्मली, उसी तरह से कनेक्शन करना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से हमें इसे लगा देना है, ये देख सकते हैं आप, और फेविकॉल से इसको चिपका देना है, और सैंड पेपर से अच्छी तरह इसकी एजेस की फिनिशिंग कर देना है। ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। तो आप इसकी टेस्टिंग की बारी है, उसको टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको कैसा काम करता है। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये देख सकते हैं 15 डिग्री 16 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, काफ़ी ठंडा मौसम है। अब ये देखिए मैंने इस पर लगाया है, कितनी जल्दी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है।
ये देख सकते हैं आप 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। तो आप इसको एक घंटा खाली चलाएं तो इसमें जितना भी फाइबर स्लेब इसके अंदर लगाई है वो जल जाएगी। आप देख सकते हैं कितना गर्म है, मैंने इस पर पानी छिड़क रहा हूँ तो आप इसकी गर्मी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं इस पर नूडल्स बनाता हूँ, आप देख सकते हैं आप, इन्हें पहले पानी लिया है, देख सकते हैं कैसे बनते हैं नूडल। ये मैंने मसाला डाला और ये मैगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। तो इस तरीके से मैं नूडल्स बना रहा हूँ। ये देखिए धुआं, पानी अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, भाप निकल रही है। तो इसको अच्छी तरह ढक देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया मैंने। 5 मिनट बाद मैंने जब देखा तो ये थोड़े, ये देख सकते हैं नूडल्स ज़्यादा पक गए हैं। थोड़ा कम टाइम के लिए रखना था, मैंने 5 मिनट ज़्यादा हो गया, 3 मिनट या 2 मिनट के लिए रखना था क्योंकि अच्छा खासा टेम्परेचर से निकल रहा है। तो नूडल्स थोड़े ज़्यादा पक गए हैं, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और ये थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है क्योंकि हमने इसमें जो वाइट कलर की फाइबर स्लिप लगाई थी ये वो है, और जो एम जो अपनी वो एलो लाइट है वो जलने लगती है, और एम सील के सारे अच्छे तरह से ये टिके रहते हैं एलिमेंट।